तो आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ और दिल्ली में लोहड़ी को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक नजर डालिए कि यहाँ पे शाम को लोहड़ी को लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने सुना कि सबसे खास बात यह है कि एक साथ फ्रेंड सर्कल में लोग मिलके इस फेस्टिवल को मना रहे हैं। कैसा लगता है लोहड़ी का फेस्टिवल? बहुत बढ़िया। खास करके क्या मतलब कि आग के आसपास घूमना? बहुत बढ़िया एंड इट्स लॉट ऑफ पीपल आर सो एंथुसियास्टिक और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? मैं तो पंजाब का, मैंने पंजाबी है, मैं लोहड़ी का मेरा त्यौहार है, मैं तो एंजॉय करना ही करना है। जी बिल्कुल, वैसे कि फेस्टिवल पंजाब के साथ साथ देश के कई कोने में मनाया जाता है और खास करके यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप देख रहे हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मौका बहुत खास है क्योंकि ये मौका बहुत कम देखने को मिलता है जब फैमिली की और फ्रेंड सर्कल में लोग आपस में मिलके इस फेस्टिवल को मनाते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कैसा लगता है आपको लोहड़ी का फेस्टिवल? बहुत ही अच्छा लगता है, लोहड़ी मतलब सालों से हम इंतजार करते हैं इस त्यौहार का, तो जी बिल्कुल सालों से इसलिए भी इंतजार करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे झूमने को नाचने का जो मौका है वो मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, ये जस्ट ऑफिस के बाहर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑफिस के बाहर लोग बहुत भारी संख्या में आके इस पर्व को और भी ज़्यादा खास बना रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी ऑफिस के बाहर सेलिब्रेशन एक अलग ही मौका है, क्या कहेंगे? बहुत मज़ा आता है ऑफिस के बाहर सेलिब्रेशन में, वर्कलोड पूरा खत्म हो जाता है। इट इज फन एंजॉयिंग विद टीम। लोहड़ी का सेलिब्रेशन है और खास बात यह है कि लोहड़ी का सेलिब्रेशन यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं तो उसका एक अपना अलग ही मजा होता है। और ये सेलिब्रेशन जो है ये नोएडा में हो रहा है, जस्ट ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं कि आग जलाई गई है और इसी आग के साथ लोग इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं और लोहड़ी मना रहे हैं। आप सभी को भी लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं पूजा आ रही हूं।